अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने लास्ट लेक्चर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अपनी जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के बारे में ये चीज डिस्कस की थी कि अर्थ के स्टार्ट से लेकर प्रेजेंट डे तक जितने भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए या प्रोड्यूस हुए, उन ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट कैटेगरी से डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर डिवाइड करते हैं कि हर टाइम पीरियड के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद। इन्हीं चीजों को हम इन डिटेल अपने जियोलॉजिकल टाइम चार्ट की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। अब जियोलॉजिकल टाइम चार्ट तो हमारे पास एक वास्ट एरिया मौजूद है, इसे हम फिर अपनी ईज के लिए या आसानी के लिए डिफरेंट इराज, फिर इराज के बाद स्मॉलर यूनिट पीरियड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। हर पीरियड के अंदर कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। इराज को अगर देखा जाए तो हमारे पास लार्ज टाइम फ्रेम पर मौजूद है, हर इरा के अंदर फिर बहुत सारे स्मॉल पीरियड्स हैं वो मौजूद होंगे। अगर हम जनरल इराज की बात करें तो फोर मेजर इराज हैं वो मौजूद हैं। प्रेजेंट डे की बात कर ले तो हम सीनोजोइक इरा को देखते हैं, पास की बात करते हैं तो मीजोजोइक, देन पैलियोजोइक, और लास्ट पर हम बात करते हैं प्रोटीरोजोइक या मोस्ट प्रिमिटिव इरा। प्रोटीरोजोइक इरा को अगर हम देखें तो इसे हम कहते हैं कि अराउंड अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो मौजूद था। इसके बाद फिर पैलियोजोइक इरा तक आया, फिर मीजोजोइक, और लास्ट पर फिर हमारे पास सीनोजोइक इरा जो है वो मौजूद। अब हम सीनोजोइक इरा या प्रेजेंट डे से मूव करेंगे पास की तरफ, डिफरेंट टाइम पीरियड्स को देखेंगे कितने साल पहले वो मौजूद थे और इस टाइम पीरियड के दौरान कौन कौन सी चेंजेस या कौन कौन सी एडाप्टेशन आती गई, उन सारी चीजों को भी हम यहाँ पर इन डिटेल देखेंगे। सीनोजोइक इरा को हम डिवाइड करें टू पार्ट के अंदर, क्वार्टरी इरा एंड टर्शियरी इरा। क्वार्टरी इरा की अगर बात की जाए तो ये 50 मिलियन ईयर्स एगो मौजूद था, मतलब हम कह रहे हैं कि 50 मिलियन ईयर से लेकर प्रेजेंट डे या अब तक की अगर हम बात करें तो ये सारा एरिया जो है वो क्वार्टरी इरा के अंदर ही मौजूद है। इस क्वार्टरी पीरियड के दौरान जो चेंजेस हुई उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हमारे पास मौजूद है कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस या ह्यूमंस हुए वो इवॉल्व होते हैं। फिर इस क्वार्टरी इरा के बाद सेकेंड इरा जो है वो हमारे पास मौजूद है टर्शियरी इरा। की अगर बात की जाए तो ये 70 मिलियन ईयर्स पे वो मौजूद था, और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस आई वो ये थी कि मैमल्स डाइवर्सिफाई हुए। डाइवर्सिफाई का मतलब यहाँ पर ये होगा कि मैमल्स जो है वो डाइवर्स हुए, इन्होंने डिफरेंट हैबिटेट्स हैं वो अडॉप्ट किए, साथ में इनके अंदर मजीद मॉडिफिकेशन या एडाप्टेशन हुए वो भी आते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं सेकेंड इरा मेसोजोइक इरा की तरफ। मेसोजोइक इरा का सबसे पहला पीरियड जो है वो हमारे पास मौजूद है क्रिटेशियस पीरियड, 135 मिलियन ईयर्स अगो मौजूद था, और इसके दौरान जो चेंजेस आए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, फर्स्ट प्राइमेट प्रोड्यूस हुए, और साथ में फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो भी प्रोड्यूस है। इन्हीं फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स का भी नाम देते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड पीरियड की अगर बात करें तो वो आ जाता है जुरासिक। जुरासिक पीरियड 180 मिलियन ईयर्स अगो मौजूद था, और यहाँ पर फर्स्ट बर्ड इवॉल्व हुए, साथ में डायनासोर्स हुए, ये मैक्सिमम एक्सपेंड हुए, इनके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए वो आते हैं। फिर जुरासिक के बाद थर्ड पीरियड हम देखिए ट्राइगेसिक, 225 मिलियन ईयर से वो मौजूद था। यहाँ पर जो चेंजेस आए उनके अंदर हम देखते हैं कि फर्स्ट मैमल इवॉल्व हुए, साथ में फर्स्ट डायनासोर्स हैं वो ही इवॉल्व होते गए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पैलियोजोइक इरा के, पैलियोजोइक इरा के पीरियड्स की। सबसे पहले परमियन 270 मिलियन ईयर से वो, जहां पर जो एडाप्टेशंस थी कि मेजर एक्सटिंक्शंस बहुत सारे एनिमल एक्सटिंक्ट हुए, साथ में रेप्टाइल्स हैं वो डाइवर्सिफाई होते गए, रेप्टाइल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज होता गया। फिर इसके बाद कार्बोनिफेरस इरा 350 मिलियन ईयर से वो मौजूद था, फर्स्ट रेप्टाइल जहां पर प्रोड्यूस हुई, फर्स्ट स्केल ट्री और फर्स्ट फर्न्स हैं वो ही इसी कार्बोनिफेरस इरा के अंदर प्रोड्यूस हुई। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डिवोनियन पीरियड की। डिवोनियन पीरियड 400 मिलियन ईयर्स अगो था, यहाँ पर सबसे पहले एम्फीबियन प्रोड्यूस हुए, साथ में जार्ड फिशेस हैं वो भी डाइवर्सिफाई हुई, मतलब उनके अंदर मॉडिफिकेशन हुई, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्रीज होते गए। फिर इसके बाद आते हैं सिलोरिन इरा की तरफ, 440 मिलियन ईयर्स अगो मौजूद था, और सबसे पहले वैस्कुलर प्लांट्स हैं वो इसी सिलोरिन इरा के अंदर ही इवॉल्व हुए। सिलोरिन इरा के बाद हम आप बात करते हैं ऑर्डोवेशियन इरा की। इस ऑर्डोवेशियन इरा की अगर बात कर लें तो ये हमारे पास मौजूद है 500 मिलियन ईयर्स अगो, जहां पर सडन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मेटाजोआन, मेटाजोआन जितने भी हमारे पास मौजूद थे उनका नंबर जो है वो सडनली इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कैम्ब्रियन इरा की, 600 मिलियन ईयर्स अगो था, जहां पर दो तरह के एडाप्टेशंस या चेंजेस परफॉर्म हुई। सबसे पहली चेंज यहां पर ये थी कि फर्स्ट कॉर्डेट जीन वो इसी कैम्ब्रियन इरा के अंदर रिप्रेजेंट हुए,
और साथ में फर्स्ट फिशेज हुई, ये सबसे पहले जो फिशेज हैं वो भी इसी टाइम पीरियड या इसी जोन के अंदर उन्होंने अर्थ के ऊपर खुद को रिप्रेजेंट किया। फिर इसके बाद लास्ट इरा की अगर हम बात करें जिसे हम आप देते हैं प्रोटीरोसोरिक इरा, प्रोटीरोसोरिक इरा 2000 मिलियन ईयर्स अगो मौजूद था। यहाँ पर जो चेंजेस आते गई या जहां पर जो एडाप्टेशन आई इनके अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहले स्केलेटल मसल्स डेवलप हुए, साथ में सबसे पहला सॉफ्ट बॉडी मेटाजोन जो है वो भी इस प्रोटीरोसोरिक इरा के अंदर ही ऑब्जर्व किया गया, और सबसे पहले एनिमल ट्रेसेस जो है वो भी इसी प्रोटीरोसोरिक इरा के अंदर डिस्कवर हुए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को डिस्कस किया है कि किस किस टाइम पीरियड या किस किस पीरियड के अंदर कौन कौन सी एडाप्टेशन आती थी और कौन कौन से एनिमल्स जो है वो इवॉल्व।